गुड मॉर्निंग एवरीवन। और हम कर रहे थे हमारा प्यारा सा चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो दोस्त हमने बनाया है इसे कैश फ्लो स्टेटमेंट। इससे दोस्ती हमारी पहले भी हुई थी, पहले भी हमने इसे देखा था कैश फ्लो स्टेटमेंट। कौन सी क्लास में देखा था? 12th क्लास में देखा था। और अभी भी हम इससे दोस्ती कर रहे हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आगे बढ़ेंगे आपकी प्यारी सी बड़ी सी स्माइल के साथ। तो मुस्कुराते मुस्कुराते इस चैप्टर से दोस्ती अपनी आगे बढ़ाते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, दो मेथड्स हैं जिनसे ये स्टेटमेंट हम बनाते हैं। एक हमारा है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। लास्ट टू क्लासेस में हमने प्रैक्टिस की है डायरेक्ट मेथड की, और आज हम लोग सीखेंगे इनडायरेक्ट मेथड। तो ये जो स्टेटमेंट बनाने के हमारे दो मेथड हैं, और इस स्टेटमेंट को बनाते समय हम अपनी एक्टिविटीज़ को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग। तो जो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है और फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, डायरेक्ट मेथड हो या इनडायरेक्ट मेथड हो, इस पर कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे हम निकालते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, वैसे ही निकालेंगे। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ऐसे ही निकालेंगे, एक ही तरीके से। तो ये जो दो मेथड्स हैं, इसमें मेन डिफरेंस आता है जब हम कैलकुलेट करते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी डायरेक्ट मेथड से, ये तो हम लास्ट टू क्लासेस में सीख चुके हैं कि कैसे निकालते हैं डायरेक्ट मेथड से कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बहुत ही सिंपल मेथड है डायरेक्ट, बहुत ही प्यारा सा मेथड है। इसमें हमने क्या किया था, जहाँ से कैश आ रहा था प्लस कर रहे थे, कैश जा रहा था माइनस कर रहे थे। कैश फ्रॉम सेल्स हमने ऐड बैक किया, कैश पेड टू परचेजेस हमने माइनस कर दिया, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स हमने प्लस कर दिया, पेमेंट टू क्रेडिटर्स हमने माइनस कर दिया, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस माइनस कर दिया, सैलरी की पेमेंट माइनस कर दी। ऐसे हम करते रहे, जहाँ से कैश का इनफ्लो था प्लस किया, आउटफ्लो था माइनस किया, लास्ट में हमने इनकम टैक्स की पेमेंट माइनस की और हमें मिल जाते थे कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। अब देखते हैं इनडायरेक्ट मेथड में हम कैश फ्रॉम ऑपरेशंस कैसे निकालते हैं। तो थोड़ा थोड़ा याद तो आपको होगा, क्योंकि आपने तो पूरी 12th क्लास में अच्छे से इसको किया है इनडायरेक्ट मेथड से। तो क्या आपको याद है थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का इनडायरेक्ट मेथड? बताओ क्या आपको याद है इनडायरेक्ट मेथड के अंदर कैश फ्रॉम ऑपरेशंस कैसे निकाला करते थे? यस मैम, याद है, थोड़ा थोड़ा याद है। मैम बिल्कुल याद नहीं है, कैसी बातें कर रहे हो आप,
हमें और याद वो भी जो हमने सालों पहले पढ़ा था, थोड़ा थोड़ा याद है मैम। तो इनडायरेक्ट मेथड, सबसे पहले इसका फॉर्मेट देखते हैं हम, ठीक है। फॉर्मेट का मतलब क्या हुआ, इनडायरेक्ट मेथड में हम स्टार्ट करते हैं नेट प्रॉफिट से। इसमें हम कुछ कुछ प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, फिर एक अमाउंट निकालते हैं हम। अब ये कैश फ्रॉम ऑपरेशन नहीं निकला, फिर हम इसमें फिर कुछ प्लस करेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर जो हम अमाउंट निकालेंगे वो होगा हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो इसमें क्या प्लस करते हैं, क्या माइनस करते हैं, पहले ज़रा एक झलक देखते हैं इस फॉर्मेट की, ठीक है। आपकी बुक्स के अंदर देखेंगे, आपकी बुक्स ओपन कीजिए, आपकी बुक का पेज नंबर 404। देखिए पेज नंबर 404 और आपके सामने है फॉर्मेट इनडायरेक्ट मेथड का। इनडायरेक्ट मेथड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमने स्टार्ट किया नेट प्रॉफिट से, हमने स्टार्ट किया नेट प्रॉफिट से, कौन से वाले नेट प्रॉफिट, आफ्टर टैक्सेस। फिर हमने इसमें ऐड किया प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, फिर हमने ऐड की नॉन कैश आइटम्स। नॉन कैश आइटम्स अपने नाम से क्लियर है, जहां पर कैश का फ्लो नहीं होता, नीदर इनफ्लो नॉर आउटफ्लो, जहां पर कैश का फ्लो नहीं है, जहाँ पर कैश नहीं है, जैसे हमने लिखा लाइक ट्रांसफ़र टू रिजर्व्स, ट्रांसफ़र टू प्रोविजंस, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, और बात करें तो डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, इन सब चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, नॉन कैश आइटम्स। तो हमने स्टार्ट किया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से, फिर हमने ऐड किया प्रोविजन फॉर टैक्स, फिर हमने ऐड किया नॉन कैश आइटम्स, उसके बाद हमने माइनस किया प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट या फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, उसके बाद हमने किया नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग का मतलब क्या हुआ, ये हमारी तीन एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। हमने क्या किया, इन दोनों को हमने बोल दिया है नॉन ऑपरेटिंग, मतलब जो दूसरी वाली एक्टिविटीज हैं, तो यानी कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो अब क्या करो, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के खर्चे ऐड बैक कर दो, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की इनकम्स माइनस कर दो। इतना प्लस माइनस करोगे तो ये आपको मिल जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। उसके बाद इसमें कुछ ऐड और लेस और करना है, करंट एसेट का डिक्रीज ऐड करना है, करंट एसेट का डिक्रीज ऐड करना है, करंट एसेट का इंक्रीज लेस करना है। ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट्स, लेस इंक्रीज इन करंट एसेट्स, add increase in current liabilities, current liabilities ka increase plus karna hai, less decrease in
करंट लायबिलिटीज। इतना सब कुछ हम कर देंगे तो फिर हमें मिल जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, और उसके बाद फिर हमने किया इनकम टैक्स की एडजस्टमेंट, लेस इनकम टैक्स पेड, और ये आ गया नेट कैश जनरेटेड और यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये हमारा इनडायरेक्ट मेथड है, इसका ये फॉर्मेट है। अगर आज सच हम फॉर्मेट देखें तो बहुत इजी है, जो चीज़ें प्लस करनी है जो चीज़ें माइनस करनी है वो मुझे पता है, प्लस माइनस कर देंगे और हमारा आंसर जो है आ जाएगा। तो पूरी 12th क्लास में तो हम यही करते आए हैं, हमारे पास पूरा पूरा फॉर्मेट था, प्लस किया हमने माइनस किया और हमारा आंसर आ गया। लेकिन देखो अब हम लोग क्या बनने वाले हैं, हम बनने वाले हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्योंकि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हैं तो हमें अब सिर्फ ये बता देना कि प्लस कर लो माइनस कर लो, इसको प्लस कर लो इसको माइनस कर लो, और हम कहें कि अच्छा ठीक है चलो ये प्लस करना है ये माइनस करना है, ठीक है हो गया काम हमारा, हमारे पेपर में नंबर भी आ गए। लेकिन क्योंकि हम CA बनने वाले हैं, CA का मतलब अ पर्सन विद हाईएस्ट नॉलेज इन द फील्ड ऑफ अकाउंट्स, तो थोड़ा सा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें कैश फ्रॉम ऑपरेशंस ये कैसे आ रहा है, ये सब कुछ प्लस माइनस करके। ये बात तो पक्की है कि आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं। हम इतना प्लस माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, ये तो पक्का है कि आएगा। लेकिन इस टाइप के एडजस्टमेंट से, ये प्लस माइनस करने से कैसे आ जाता है कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, वो थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। इस मेथड की रेलेवेंस कहाँ पर है, तो हल्का हल्का सा हिंट आपको मिल गया होगा कि भाई अगर हमारे पास इस टाइप की इंफॉर्मेशन है, अगर मुझे ये पता ही नहीं कैश सेल्स कितनी है, कैश परचेजेस कितनी है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स कितना है, ये सब नहीं पता मुझे, रादर मुझे इन्फॉर्मेशन दी हुई है डेप्रिसिएशन कितना है, ट्रांसफ़र टू प्रोविजन कितना है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और इनकम्स कितने हैं, डेटर स्टार्टिंग में कितने थे एंड में कितने हैं, अगर मुझे इस टाइप की इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो फिर मैं कैश फ्रॉम ऑपरेशंस निकालूंगी इनडायरेक्ट मेथड से। और अगर मुझे दूसरी वाली इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कैश सेल्स, कैश परचेजेस, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, सैलरीज एट्सेट्रा, अगर ये सारा मुझे अमाउंट गिवन है, सब इन्फॉर्मेशन है, तो फिर हम फॉलो करेंगे डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड दोनों के लिए डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है, उसी के बेसिस पर हम कभी डायरेक्ट से कैलकुलेशन कर देते हैं तो कभी इनडायरेक्ट से। तो ये हमारा इनडायरेक्ट मेथड है। अब थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्रॉम ऑपरेशंस कैसे आ रहा है। विश्वास तो हमें पूरा है, हमें गलत थोड़ी ना पढ़ाएंगे, फॉर्मेट गलत थोड़ी ना बना होगा। अगर फॉर्मेट कह रहा है कि ऐसे प्लस माइनस करने से कैश फ्रॉम ऑपरेशंस आ गया तो ये तो पक्की बात है कि आ गया। अब थोड़ा सा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे आ रहा है, थोड़ी सी हमारी इससे दोस्ती भी हो जाए कि हाँ समझ में आ रहा है भाई ऐसे प्लस माइनस करने से कैसे निकालते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। तो देखो एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको। सपोज मैंने कहा भाई एक ट्रेडिंग एंड P&L बना हुआ है आपके सामने और उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है,
तो एक ट्रेडिंग और पीएनएल है, उसमें इंफॉर्मेशन गिवन है। तो मैंने कहा भाई सपोज बाय सेल्स 15 लाख, टू परचेजेस 10 लाख, उसके बाद गिवन है डेप्रिसिएशन, टू लाख, देन प्रोविजन फॉर टैक्स, थ्री लाख, देन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, अगेन 3 लाख, एंड नेट प्रॉफिट मैंने आपको कैलकुलेट कर दिया, दैट इज 3 लाख। तो आपको एक इंफॉर्मेशन आपके सामने आई, ट्रेडिंग एंड पीएनएल बना हुआ है, उसके अंदर ये डिटेल्स हैं। साथ में मेंशन्ड है भाई परचेजेस सारी की सारी कैश है और सेल्स भी सारी की सारी कैश है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन है। अब मैंने आपसे एक छोटी सी चीज पूछी है, क्या आप मुझे बता सकते हो कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बाय डायरेक्ट मेथड। बताइए, सोचिए आराम से, क्या आप मुझे यहाँ पर निकाल के दे सकते हो आंसर, व्हाट इज माय कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कौन सा मेथड लगाना है, डायरेक्ट मेथड। तो क्या आप मुझे आंसर बता पाओगे डायरेक्ट मेथड से? तो आयुष, ममता, गौतम, ये यशिका, सबने आंसर निकाल दिया है। कनिष्क और सचिन कह रहे हैं कि नो मैम, मुझे नहीं लगता कनिष्क और सचिन कि आप सही कह रहे हैं। मुझे लगता है यहाँ कैश फ्रॉम ऑपरेशंस आप निकाल सकते हो डायरेक्ट मेथड से, और आपके फ्रेंड्स को भी यही लगता है जिन्होंने निकाल दिया है। तो गौतम ने निकाल दिया है, यशिका, धानवी, आंचल, सेजल, प्रिया, सबने निकाला है, लेकिन इसमें यशिका और सेजल आपका आंसर गलत है, बाकी सबका आंसर करेक्ट आ रहा है। अदिति, प्रिया आंसर करेक्ट है, तनीषा आंसर गलत है। देखिए, कैश फ्रॉम ऑपरेशन बाय डायरेक्ट मेथड मेजॉरिटी क्लास ने बिल्कुल करेक्ट किया है, आंसर आएगा यहाँ पर 5 लाख रुपीस। सीधा सीधा सरल सा तरीका है, आपने कहा भी कैश फ्रॉम ऑपरेशंस निकालना है डायरेक्ट मेथड से, तो इसमें हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली देखते हैं कैश कहाँ से आया है, कहाँ पे जा रहा है, इनफ्लो कहाँ पर है, आउटफ्लो कहाँ पर है। तो ये तो बहुत आसान है, कैश फ्रॉम सेल्स 15 लाख, और हमने कहा भाई पेमेंट फॉर परचेजेस 10 लाख, और कहीं पर कोई कैश की ट्रांजेक्शन नहीं है, तो ये खत्म हो गया। और यही मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी है मेन, सेल्स, परचेजेस, और कोई एक्सपेंस होता तो डाल देते, है ही नहीं। तो ये खत्म हो गया और ये आ गए हमारे पास कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, तो पहले तो ये देखिए, डायरेक्ट मेथड से
हमारा आंसर आ रहा है कैश फ्रॉम ऑपरेशंस 5 लाख। जिन स्टूडेंट्स ने गलत आंसर निकाला था, आप देखिए कोई डाउट है तो उसको क्लैरिफाई कीजिए। ठीक है, तो आपने कहा भाई मैम क्लियर हो गया, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस आएगा 5 लाख। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा कि देखो कैश फ्रॉम ऑपरेशंस ये आएगा 5 लाख। ठीक है, आंसर आपको पता है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करो, नेट प्रॉफिट कितना है 3 लाख। अब आपको क्या करना है, कैश फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है, लेकिन कैसे निकालोगे, नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करके। अब जैसे मैंने आपसे कहा नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करना, वैसे ही ये बन गया इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करके मुझे कैश फ्रॉम ऑपरेशन बता दो, और आपको पता है आंसर 5 लाख है, आपको पता है ये आपका इतना नेचुरल टैलेंट है कि अगर आपके पास आंसर है तो आप निकाल कर रहोगे, तो भाई मुझे बता दो नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करके मैं इस 5 लाख की अमाउंट तक कैसे पहुंचूं, क्या प्लस करूं, क्या माइनस करूं, और कैसे निकालूं कैश फ्रॉम ऑपरेशंस 5 लाख। तो अब आप सब कर लोगे, अब आप करो और आंसर बताओ। तो जब आंसर बताओगे तो साथ में ये भी बताना क्या प्लस किया है, क्या माइनस। कनिष्क कह रहे हैं कैश फ्रॉम ऑपरेशंस में क्या प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस नहीं होगा? बिल्कुल भी नहीं, हम कैश की बात कर रहे हैं, प्रोविजन इज अ नॉन कैश आइटम। तो हम कैश फ्रॉम ऑपरेशन से क्या माइनस करेंगे, टैक्सेस पेड, कैश का अमाउंट, प्रोविजन का अमाउंट माइनस कभी नहीं करेंगे। एरिया ऑफ मिस्टेक है, खास खास बहुत खास ध्यान रखना है इस बात का। अरे तुम लोग आंसर दे रहे हो 5 लाख, मुझे बताओ क्या प्लस किया क्या माइनस। तो प्रिया ने आंसर दिया है मुझे, मैम मैंने नेट प्रॉफिट के अंदर डेप्रिसिएशन प्लस कर दिया, डेप्रिसिएशन हमारा है 2 लाख। फिर प्रिया ने कहा मैम मैंने प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड कर दिया, वो है 3 लाख। और फिर आपने कहा हमने माइनस कर दिया प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। और ये आंसर हमारा आ गया 5 लाख कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसे कहते हैं अकाउंट्स की खूबसूरती, ये है हमारी अकाउंटिंग, इतने जबरदस्त तरीके से बनाई गई है। सेम चीज, सेम कैश मुझे निकालना है, अगर मैं नेट प्रॉफिट की मदद से निकालना चाहूँ तो क्या निकाल सकती हूँ, निकाल सकती हूँ। यहाँ पर मैंने आपको डिटेल्स दिए, आपने पहले डायरेक्ट मेथड से निकाला, थोड़ा आपको समझ में आया आंसर क्या है, क्या चीज़ें हैं। अब जब आपने कोशिश की नेट प्रॉफिट से निकालने की, तो थोड़ा सा फॉर्मेट आपने अपने आप ही बनाया। आपने कहा अब अगर नेट प्रॉफिट से निकालना है तो ये आपने अपने आप ही बनाया, डेप्रिसिएशन प्लस कर देते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स प्लस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब जो डेप्रिसिएशन है ये क्या है, हमारी नॉन कैश आइटम। प्रोविजन फॉर टैक्स क्या है, नॉन कैश। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, यहां पर कैश है, प्रॉफिट पर आपने बेचा है, कैश आ रहा है, पर ये क्या है, हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम।
तो आपको थोड़ा थोड़ा बात समझ में आई कि देखो इस तरीके से अगर हम नेट प्रॉफिट से चलें और हमें कैश निकालना है तो क्या करेंगे, नॉन कैश आइटम्स का इफेक्ट हटाएंगे, क्योंकि हमें कैश निकालना है ना, इसलिए नॉन कैश आइटम्स का इफेक्ट हटाएंगे। और क्योंकि मुझे कैश फ्रॉम ऑपरेशंस निकालना है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना है, इसलिए इन्वेस्टिंग भी हटा देंगे, फाइनेंसिंग भी हटा देंगे। तो मुझे नेट रिजल्ट क्या मिलेगा, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये छोटा एग्जाम्पल था, अगला एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं एग्जाम्पल। अब अगले एग्जाम्पल में कोशिश करते हैं। अब सपोज इंफॉर्मेशन कुछ ऐसी गिवन है आपके पास, कैश सेल्स $10 lakh, कैश परचेजेस $5 lakh, सैलरीज $1 lakh, डेप्रिसिएशन $50,000। ये सैलरीज आपकी पेड हैं, डेप्रिसिएशन $50,000, अमोर्टाइजेशन $20,000। अमोर्टाइजेशन हमारी होती है इंटेंजिबल एसेट्स की, अमोर्टाइजेशन $20,000, प्रोविजन फॉर टैक्स $20,000, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी अगेन $20,000, देन इंटरेस्ट रिसीव्ड $15,000, इंटरेस्ट पेड $10,000। तो इंटरेस्ट के केस में ये तो याद होगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, पेड है तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। और आपको यहाँ पर निकालना है कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस बाय डायरेक्ट मेथड। और आपने तो आंसर भी देना शुरू कर दिया इतनी जल्दी, फोर लाख, इतनी जल्दी मैम, कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ, बढ़ रहा है कॉन्फिडेंस हमारा, सबका आंसर आ गया है ऑलमोस्ट कि 4 lakh rupees इज कैश फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, करेक्ट आंसर है कैश फ्रॉम ऑपरेशन। अब आपको तो पता है मैं आपको क्या कहने वाली हूँ, मैंने कहा भाई नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करो। ठीक है, आपने कहा मैम नेट प्रॉफिट तो आपने बताया नहीं, मैंने कहा मैं बता रही हूँ 3,35,000। अब मैंने कहा भाई नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करो और मुझे कैश फ्रॉम ऑपरेशंस निकाल कर दो, कितना आना चाहिए, 4 lakh आना चाहिए। कैसे निकालोगे वो मुझे नहीं पता, तुम्हें स्टार्ट करना है नेट प्रॉफिट से, करो प्लस करो माइनस, निकालो कैश फ्रॉम ऑपरेशन 4 lakh rupees।
बहुत ही ज़्यादा फटाफट आंसर आ रहा है आपका। इतने सारे स्टूडेंट्स ने आंसर दे दिया है तो ठीक है भाई, मुझे तो कोई फॉर्मेट पता ही नहीं है इनडायरेक्ट मेथड का क्या होता है। मुझे तो जो आपने बताया है ना वो मैं लिख रही हूँ। मैंने तो कहा भाई मुझे तो मेरे स्टूडेंट्स पर पूरा फेथ है, वो जो प्लस करवाएंगे वो मैं करूँगी, जो माइनस करवाएंगे वो मैं करूँगी। तो देखो जो आप लोग बोल रहे हो ना वो मैं कर रही हूँ। आपने कहा मैम ऐड करो डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन है 50,000। फिर आपने कहा मैम ऐड करो अमोर्टाइजेशन, ट्वेंटी थाउजेंड। फिर आपने कहा मैम ऐड करो प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स 20,000। फिर आपने कहा मैम ऐड करो इंटरेस्ट पेड, टेन थाउजेंड। मैंने सोचा पता नहीं बच्चों को पता भी है कि क्यों प्लस कर रहे हैं क्यों माइनस कर रहे हैं। तो मैंने आपसे पूछा मुझे बताओ भाई डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन प्रोविजन फॉर टैक्स आपने क्यों ऐड किया है, क्यों ऐड किया है। आपने कहा मैम ये लो हमारा आंसर, टक 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 टक, सबने एक ही स्वर में कहा नॉन कैश आइटम्स। और मुस्कुरा लो इसी बात पे। आपने कहा मैम ये हम प्लस करेंगे नॉन कैश आइटम। मैंने कहा अच्छा ये क्यों प्लस किया है, इंटरेस्ट पेड क्यों प्लस किया है आपने। ममता वहां आंसर गलत हो गया, हिमांशी का आंसर सही है, यशिका आंचल का आंसर सही है, बाकी बच्चों का भी आंसर सही है। आप लोग बोल रहे हो फाइनेंसिंग, उसी को दूसरे शब्दों में हम क्या बोल देंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो जिन्होंने कहा फाइनेंसिंग आंसर तो उनका भी ठीक है, बट हम क्या बोलेंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अच्छा ठीक है भाई मैंने प्लस कर दिया, लेस क्या क्या करना है। तो आपने कहा मैम लेस करो अब आप इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड 15,000। अच्छा और क्या लेस करूं, और लेस करो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 20,000। और कुछ माइनस करूं, आपने कहा नहीं। अच्छा ये दोनों जल्दी से बता दो माइनस क्यों करे हैं आपने। अब सबका आंसर सही आया, अब सब समझ गए मैम ये हो गई है नॉन ऑपरेटिंग इनकम, माइनस कर दिया। देख लो आप अपनी इंटेलिजेंस अपने आप देख लो, ये तो आपने खुद ही बना लिया फॉर्मेट, यही तो अकाउंट्स की खूबसूरती है। तो क्या ये प्लस माइनस करके भी आ रहा है 4 लाख। सच्ची सच्ची बताओ क्या ये आ रहा है 4 लाख। तो भाई ये तो बात बिल्कुल सही हो गई है, ये तो अकाउंट्स बहुत ही खूबसूरत तरीके से बने हैं।
और कैश फ्लो स्टेटमेंट में नेट प्रॉफिट से भी निकाल सकती हूँ। अगर हम इस तरीके से नॉन कैश चीज़ों को एडजस्ट कर दें, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और इनकम एडजस्ट कर दें, तो भी हम कहाँ पहुँच जाते हैं, कैश फ्रॉम ऑपरेशन पे। मतलब हम कैसे भी चले जाएं, कैसे भी चले जाओ, डायरेक्टली चले जाओ कैश ट्रांजेक्शन्स की मदद से, कैश अकाउंट की मदद से, या फिर इनडायरेक्टली चले जाओ नेट प्रॉफिट की मदद से। अब कुछ बच्चों के मन में आ रहा है, मैम ये तो आप है ना आसान आसान सवाल करा रहे हो, इसलिए इसमें तो हमने कर लिया, चलो फिर एक मुश्किल कराती हूँ उसमें करके देखते हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल लिखते हैं। अगला एग्जाम्पल, आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, सेल्स 4 lakh rupees, ब्रैकेट में लिखा है आउट ऑफ विच 1,50,000 is on credit. Next, purchases. Five lakh. Out of which 3 lakh is on credit. Then office and administration expenses 65,000. पेड है ये एक्सपेंसेस, देन प्रोविजन फॉर टैक्स, $20,000, डेप्रिसिएशन $10,000, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 20,000, इंटरेस्ट पेड 5,000, नेट प्रॉफिट 1,70,000, उसके बाद है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ओपनिंग बैलेंसेस एंड क्लोजिंग बैलेंसेस, स्टॉक 1 lakh ओपनिंग, 450 क्लोजिंग, डेटर्स 3 lakh ओपनिंग, 1 lakh क्लोजिंग, क्रेडिटर्स 4 lakh ओपनिंग, 2,50,000 closing. और आपको क्या करना है, कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस बाय डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड से निकालना है, आराम से निकालो।
कैश की ट्रांजैक्शन प्लस माइनस करेंगे और निकालेंगे कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। तनिषा, आपने आंसर मुझे दे भी दिया है लेकिन आंसर सही नहीं है, एक बार आप दोबारा चेक करो। प्रिया का आंसर भी गलत है, ममता का आंसर भी गलत है, सचिन आपका आंसर करेक्ट है। गौतम, गौतम आंसर इनकरेक्ट है। स्मृति आंसर इनकरेक्ट है। देखो जिसका आंसर इनकरेक्ट है ना वो पहले स्माइल करो। क्या मैम क्यों? इसका मतलब है जो गलती हुई है अब वो पेपर में नहीं होगी। तो जिसका अभी मैं बोल रही हूँ आंसर गलत है, पहले स्माइल करो फिर क्वेश्चन दोबारा चेक करो। धानवी, धानवी आपका आंसर करेक्ट है। स्मृति आंसर आपने दोबारा दिया है बट अभी भी इनकरेक्ट है। अच्छा मुझे ये बताइए कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स कितना आ रहा है? डेटर्स अकाउंट से निकालेंगे ना, और पेमेंट टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स अकाउंट से निकाल लेंगे। तो देखिए दोनों अमाउंट्स कितने कितने आ रहे हैं। तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स आपने कहा 350 करेक्ट। और पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स आपने कहा 4,50,000। और ये हमें मिलेगा कैश फ्रॉम ऑपरेशंस 1,15,000, यानी कि कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 1,15,000। देखिए पहले आराम से सभी आंसर निकालिए 1,15,000। कोई डाउट हो तो क्लैरिफाई कीजिए, आराम से अपना आंसर चेक कीजिए, मिस्टेक ढूंढिए, करेक्ट कीजिए और माइंड में बिठाइए कि इस मिस्टेक को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। तो तनिषा ने कहा मैम आंसर अब आ गया, मिस्टेक मिल गई। अंजलि ने भी कहा आंसर आ गया।
ममता स्मृति डन मैम, आंसर आ गया है। अच्छा, और क्या क्या मिस्टेक करी आपने वो भी शेयर करो, क्योंकि उससे क्या होगा कि सारी क्लास को पता चल जाएगा कि देखो ये भी मिस्टेक होती है, इसलिए यहाँ पर अलर्ट रहना है, एरिया ऑफ मिस्टेक है। तो अदिति ने भी कहा मैम मिस्टेक मिल गई, पर ये बताओ मिस्टेक क्या क्या करी आपने। अच्छा, क्वेश्चन से अमाउंट ही गलत नोट कर लिया था, ये मिस्टेक भी पेपर में होती है, इसलिए इससे बचना है कि क्वेश्चन में जो अमाउंट है और जो आंसर में हम लिख रहे हैं वो मिस्टेक है, इसी को सिली मिस्टेक कहते हैं, और इस पे जब मार्क्स कटते हैं तो बहुत दुख होता है, इसलिए इस मिस्टेक से बचना है। बस मिस्टेक आपने ज़्यादा शेयर नहीं करी, कह रहे मैम बस अब आप इस बात को ढके रहने दो, हमने आंसर निकाल लिया है। यशिका ने जो गलती करी वो भी होती है, यशिका ने कहा कि मैम मैंने तो पेमेंट फॉर परचेजेस को ऐड कर दिया माइनस करने की जगह, ये भी मिस्टेक हो जाती है, इससे भी बचना है। यही मेरा पर्पस था कि आप लोग अपनी मिस्टेक शेयर करो, क्योंकि वो मिस्टेक सबसे होती है, वो एरिया ऑफ मिस्टेक है। तो गलत अमाउंट और फिर पेमेंट को आपने ऐड कर दिया, ये भी एक मिस्टेक है। फिर मिस्टेक ऑफ ओमिशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस लेना ही भूल गए। तो अब सबको अपनी मिस्टेक मिल गई है और कैश फ्रॉम ऑपरेशंस आ गया है हमारे पास 1,15,000। ठीक है, अब देखो, हाँ अब आपने कहा मैम हमें पता है इनडायरेक्ट से करना है, इनडायरेक्ट से करना है, लेकिन उसके लिए मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल रही हूँ। पहले इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बदल रही हूँ, फिर हम करेंगे इसे इनडायरेक्ट मेथड से। ठीक है, तो ये जैसे आपने थर्ड लिखा है, तो भाई ये थर्ड का ए है और अब हम लिख रहे हैं थर्ड का बी। सेम क्वेश्चन को पहले मैं थोड़ा सा बदल देती हूँ, फिर हम निकालेंगे अपना आंसर बाय इनडायरेक्ट मेथड। तो अब आपके सामने इंफॉर्मेशन कुछ ऐसी है, सेल्स 4 लाख, परचेजेस 5 लाख, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन 65, प्रोविजन फॉर टैक्स 20,000, डेप्रिसिएशन 10,000, इंटरेस्ट पेड 5,000, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ PPE 20,000, नेट प्रॉफिट 1,70,000। Then additional information, स्टॉक 1,450,000, डेटर्स 3 लाख, 1 लाख, क्रेडिटर्स 4 लाख, 2.5 लाख। अब ये जो इंफॉर्मेशन आपके सामने है, अब इसे यूज करके आप निकालोगे
कैश फ्रॉम ऑपरेशंस बाय इनडायरेक्ट मेथड. यानी कि हम स्टार्ट करेंगे नेट प्रॉफिट 1,70,000 से और फिर पहुंचेंगे अपने आंसर तक कैश फ्रॉम ऑपरेशंस. आराम से कीजिएगा, जल्दी नहीं, बहुत आराम से. तो ममता, आपने आंसर दे भी दिया है और क्योंकि जल्दी दिया है आंसर इनकरेक्ट है. गौतम, आंसर इनकरेक्ट है. मैं फिर से कह रही हूँ, आराम से सॉल्व कीजिए, जल्दी नहीं. प्रिया, आंसर इज करेक्ट. सचिन, यशिका एंड जय, आंसर इज करेक्ट. आयुष, इनकरेक्ट. वंश, करेक्ट. ममता, अब करेक्ट हो गया है आंसर. आदिति, तनीषा, इनकरेक्ट. स्मृति, स्मृति बहुत ही ज़्यादा वाला इनकरेक्ट है, बहुत दूर चली गई हो तुम आंसर से. स्मृति कह रही है, मैम इतना कितना दूर निकल आई मैं. स्मृति, बहुत दूर निकल आई हो तुम आंसर से. गौतम, आंसर इज करेक्ट. धानवी, आंसर इज इनकरेक्ट. अब देखो, जिन बच्चों के आंसर्स इनकरेक्ट है ना, जिन बच्चों का आंसर इनकरेक्ट है, देखो ध्यान से देखो, सेम क्वेश्चन है ये. थर्ड का जो ए पार्ट है, सब कुछ सेम है. मैंने सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन आपसे छीन ली है जो आपको मैंने नहीं दी. मैंने आपको ये नहीं बताया अब कि क्रेडिट सेल कितनी है, क्रेडिट परचेज कितनी है. थर्ड के बी पार्ट में मैंने आपको बताया नहीं है, लेकिन है इतनी ही, पर मैंने अब आपको बताया नहीं, ठीक है. तो जो बाकी इन्फॉर्मेशन है आपको उसको यूज़ करना है. यानी कि हमारा आंसर तो अभी भी कितना आना चाहिए, 1,15,000 का आउटफ्लो. तो जब हम इनडायरेक्ट मेथड से निकालेंगे, आंसर मेरा फिर भी क्या आना चाहिए, 1,15,000. तो अब जिनका आंसर इनकरेक्ट था, अब आप चेक करो, फिर से कोशिश करो, क्या आप पहुँच सकते हो करेक्ट आंसर तक. तो धीरे धीरे गलती मिल रही है, तो चलो हम भी करते हैं साथ साथ. इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है, नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे. 1,70,000, ठीक है. अब आप ही बताओगे क्या ऐड करना है. मुझे तो अपने स्टूडेंट्स पे ज्यादा भरोसा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 से भी ज्यादा भरोसा है. तो आप लोग बताओ क्या ऐड करें. तो आपने कहा, मैम देखो डेप्रिसिएशन ऐड कर दो. डेप्रिसिएशन हमारी है 10,000. फिर आपने कहा प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड कर दो. $20,000. फिर आपने कहा इंटरेस्ट पेड ऐड कर दो.
5,000। ठीक है, अब मैं आपसे क्यों नहीं पूछूंगी, मुझे पता है आपको रीज़न पता है कि हमने जिस चीज़ को प्लस किया है क्यों किया है। या तो वो नॉन कैश आइटम होगी या वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होगा, तो हमने ऐड बैक कर दिया। अब आपने कहा मैम ऐड हो गया सारा, अब लेस कर दो। तो स्मृति जो आपने आंसर दिया, गौतम जो आपने आंसर दिया, अभी नहीं करेंगे, है ना, रुकेंगे एक बार। तो यहाँ पर अभी हम लेस करेंगे जो आपने कहा प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल ये है हमारा 20,000। अब देखो अपना फॉर्मेट याद करो जो हमने अभी बुक में देखा था। पहले यहाँ पर एक बार अमाउंट निकालेंगे हम, है ना। तो जैसे स्मृति ने कहा मैम इंक्रीज इन स्टॉक एडजस्ट करो, गौतम ने कहा डेटर्स एडजस्ट करो, तो अभी नहीं, एक बार यहाँ पर एक अमाउंट निकालेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए प्लस माइनस करके कितना अमाउंट आ रहा है, 185। तो यहाँ पर पहले हम नामकरण करेंगे इस अमाउंट के साथ, कुछ लिखेंगे, इसको हमने बोला ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अभी देखा था हमने फॉर्मेट में, नेट प्रॉफिट में ये सब कुछ ऐड करते हैं, फिर जो अमाउंट आता है उसको हम बोल देते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, और फिर इसके बाद हम आगे एडजस्ट करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या एडजस्ट करना है। अब देखो आप लोग क्या क्या बता रहे हो, आप कह रहे हो मैम लेस कर दो इंक्रीज इन स्टॉक, तो लेस किया इंक्रीज इन स्टॉक, इसी को मैंने फॉर्मेट के अंदर देखा था, लेस कर दो इंक्रीज इन करंट एसेट। तो आपने कहा भाई इंक्रीज इन स्टॉक लेस कर दो, क्योंकि आपने कहा मैम देखो स्टॉक 1 लाख था, 1 लाख से हो गया 450, यानी कि स्टॉक के अंदर है इंक्रीज 350,000 का, इसको कर देते हैं लेस, लेस कर दिया। उसके बाद बताओ, आपने कहा मैम डिक्रीज इन डेटर्स ऐड कर दो, ऐड कर दो डिक्रीज इन डेटर्स, डेटर्स थे 3 लाख के हो गए 1 लाख के, ऐड कर दो 2 लाख, इसी को हमने हमारे फॉर्मेट में देखा था, ऐड करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट। ठीक है, फिर इसके बाद बताओ, फिर आपने कहा कि लेस कर दो मैम, क्या लेस कर दूं, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स 4 लाख से हो रहे हैं 2.5 लाख, डिक्रीज है क्रेडिटर्स के अंदर, मैंने यहां पे माइनस कर दिया 150। फॉर्मेट ने क्या कहा था, लेस कर दो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, और अगर माई चांस इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी होता तो हम उसको कर देते ऐड, फिलहाल वो हमारे पास है नहीं। ये सारा प्लस माइनस करके अब आंसर निकालो, तो आपने कहा आंसर आ गया 115,000, यानी कि कैश यूज्ड इन ऑपरेशंस। ₹115,000, मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन ये बिल्कुल सेम है जैसे हमने थर्ड ए किया है, बिल्कुल सेम है, मैंने सिर्फ इन्फॉर्मेशन हटवाई। मैंने आपको ये नहीं बताया क्रेडिट सेल कितनी है, मैंने आपको ये नहीं बताया क्रेडिट परचेज कितनी है, पर मैंने आपसे कहा है उतनी ही, है उतनी ही, पर मैंने ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से हटा दी। तो
जब मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन थी, हमने कहा डायरेक्ट मेथड लगाते हैं, डेटर्स अकाउंट बनाते हैं, क्रेडिटर्स अकाउंट बनाते हैं, आंसर हमारे सामने है। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स मिल गई, पेमेंट टू क्रेडिटर्स मिल गया। लेकिन अब इस क्वेश्चन में थर्ड का बी पार्ट आपको पता ही नहीं है कि कैश सेल्स के साथ क्रेडिट सेल्स कितनी है। आपको ये नहीं पता क्रेडिट परचेज कितनी है, तो पेमेंट तो सीधा सीधा निकाल नहीं सकते। तो हमने कहा किसकी मदद लो, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का जो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है उसकी मदद लो, उसको एडजस्ट करो और निकालो कैश यूज्ड इन ऑपरेशंस। और ये पूरा का पूरा बन गया हमारा इनडायरेक्ट मेथड। ये इनडायरेक्ट मेथड मुझे क्या सिखा रहा है, अकाउंट्स की खूबसूरती सिखा रहा है ये। आप चाहो तो सीधा सीधा कैश ट्रांजैक्शन देख लो, कैश अकाउंट दिखा देगा सारी ट्रांजैक्शन, डायरेक्ट मेथड से बना लो। और आप चाहो कि नेट प्रॉफिट से बनाएंगे तो नेट प्रॉफिट से बनाओ, यही तो अकाउंट्स है, यही तो अकाउंटिंग है। आपने कहा इनडायरेक्टली निकालेंगे, नेट प्रॉफिट से अकाउंटिंग ने कहा निकालो ना, हम तो बने इस खूबसूरती के साथ हैं। आप चाहे डायरेक्ट मेथड से निकालो चाहे इनडायरेक्ट, देख लो इनडायरेक्ट में भी प्लस माइनस करके हम पहुंच गए कैश फ्रॉम ऑपरेशंस 115,000 का आउटफ्लो। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं आपको कौन सा मेथड अच्छा लग रहा है, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट, तो आपका क्या आंसर है भाई? आपको किस चीज में जो है ना मजा आ रहा है, डायरेक्ट में या इनडायरेक्ट में? डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, दोनों में, दोनों में, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट, दोनों में इनडायरेक्ट। अगर यही बात मैंने आपसे क्लास के स्टार्टिंग में पूछी होती ना फॉर्मेट दिखाकर, तो आप सब कहते हमें तो डायरेक्ट में मजा आ रहा है। अब आपको इनडायरेक्ट में भी मजा आ रहा है, क्यों? क्योंकि बात समझ में आने लगी कि अच्छा ये तो ऐसे ऐसे करेंगे हम, तो ये तो बहुत आसान है। तो आपने कहा भाई दोनों में मजा आ रहा है। अच्छा चलो एक बात बताती हूँ, एक डॉक्टर से पूछा 2+2 कितना होता है, ठीक है, उसने बोला 4। एक इंजीनियर से पूछा 2+2 कितना होता है, उसने बोला 4। एक सीए से पूछा 2+2 कितना होता है बताओ, एक सीए से पूछा 2+2 कितना होता है, तो उसने क्या कहा, कितना दिखाना है बोलो। तो सीए ने क्या कहा, कितना दिखाना है बोलो। मैम ये आप हमें क्या सिखा रहे हो? मैं आपको ये सिखा रही हूं कि जब हम एक प्रोफेशनल कोर्स के अंदर होते हैं, एक ऐसा कोर्स जो इमेजिनेटिव नहीं है, हम लोग सीए कर रहे हैं, हमारा जो काम है वो क्या है, ऑडिट। किसकी ऑडिट करनी है हमें, कंपनीज की। क्या कंपनी को ऑडिट करवाना वॉलंटरी है, उसकी मर्जी है, या उसको कराना ही पड़ेगा? तो चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या कहेगा, भैया तुम्हें तो ऑडिट कराना पड़ेगा, हमारी ऑडिट फीस तो तुम्हें देनी ही पड़ेगी। हम कर रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी, ऑडिट, ऑडिट करना हमारा काम है, कंपनीज की हमें ऑडिट करनी है, कंपनी को ऑडिट करवाना कंपल्सरी है। तो मुझे डायरेक्ट मेथड अच्छा लगता है या इनडायरेक्ट मेथड इज इररिलेवेंट, ये मेरे अच्छे लगने की बात नहीं है। मेरे मन को क्या अच्छा लग रहा है इज इररिलेवेंट, ये मेरे मन को अच्छे लगने की बात नहीं है। बात ये है कंपनीज की हमें ऑडिट करनी है, कंपनीज की हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करनी है,
फिनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो रेलेवेंट बात ये है कि कंपनीज कैश फ्लो स्टेटमेंट किस मेथड से बनाती हैं, दैट इज रेलेवेंट फॉर मी। मुझे क्या अच्छा लग रहा है क्या अच्छा नहीं लग रहा है, दिस इज नॉट अ प्रोफेशनल अप्रोच। तो मैंने कहा भी मुझे डायरेक्ट भी सीखना है, मुझे इनडायरेक्ट भी सीखना है, पूरे सीए इंटर के अकाउंट्स के सिलेबस में जो कुछ भी है मुझे सारा सीखना है, सीए फाइनल के अकाउंट्स के सिलेबस में जो कुछ भी है मुझे सारा सीखना है, मुझे सारी अकाउंटिंग सीखनी है। और उसके बाद जब रेलेवेंस की बात होगी तो किस रेफरेंस से देखेंगे हम कि भाई कंपनीज क्या फॉलो कर रही हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 ने कहा CFS बनाने के दो तरीके, डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट। तो किसी स्टूडेंट को लगा डायरेक्ट मेथड सही है, किसी को लगा इनडायरेक्ट सही है। तो चलिए ज़रा एक नज़र मारते हैं कंपनीज के CFS पर, कंपनीज की कैश फ्लो स्टेटमेंट पर, और देखते हैं कंपनीज कौन सा मेथड फॉलो करती हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय। तो मैं आपको दिखा रही हूँ आपकी टीवी स्क्रीन पर पैनल पर एनुअल रिपोर्ट्स कुछ कंपनीज की। तो देखिए सबसे पहले आपके सामने है अदानीज की एनुअल रिपोर्ट, अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड, याद है ना अदानी, वैसे तो पता ही है और वैसे हमने सीए फाउंडेशन में अच्छे से पढ़ा था बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में। तो अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड एनुअल रिपोर्ट 2021 हाइलाइट्स एंड कंटेंट्स। तो देखो इतनी बड़ी होती है हमारी एनुअल रिपोर्ट और हमारे लिए जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो यहाँ आती हैं स्टैंड अलोन अकाउंट्स। और देखो जो हमारी फिनेंशियल स्टेटमेंट स्टार्ट होती है ना, जहाँ से सबसे पहले ऑडिटर की रिपोर्ट लगती है वहाँ, ये इम्पोर्टेंस है आपकी रिपोर्ट की। सबसे पहले इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, सबसे पहले रिपोर्ट आएगी, यानी कि आपका ओपिनियन, आपने जो ऑडिट किया है आपका उसके बारे में क्या कहना है। देखिए ओपिनियन, तो हमें क्या एक्सप्रेस करना होता है, अपना ओपिनियन। कौन सा ओपिनियन, कि ये जो अकाउंट्स हैं ये ट्रू एंड फेयर हैं या फिर नहीं। तो सबसे पहले आपकी रिपोर्ट लगी हुई है और आपकी रिपोर्ट खत्म हुई और उसके बाद हमारे सामने आ गई है बैलेंस शीट। तो हमारे पास है सबसे पहले बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के बाद है स्टेटमेंट ऑफ P&L। स्टेटमेंट ऑफ P&L के बाद स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी बनाते हैं, हर कंपनी में मिलेगी ये भी आपको। एंड इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फॉर द ईयर एंडेड। देखिए भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट देखिए, चेक कीजिए कौन सा मेथड कंपनी ने फॉलो किया है। कौन सा मेथड फॉलो कर रही है अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड CFS बनाने के लिए? तो आप सभी ने कहा कि मैम ये फॉलो कर रही है इनडायरेक्ट मेथड, और इनडायरेक्ट मेथड से बनाई जा रही है कैश फ्लो स्टेटमेंट। और इनडायरेक्ट मेथड का सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंस कहाँ पर है, वाइल कैलकुलेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग तो सेम रहता है, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस में डिफरेंस आता है। तो अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड ये फॉलो कर रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। चलिए किसी और कंपनी का देखते हैं, तो हम इन्फोसिस देखते हैं, इन्फोसिस, और हमें चाहिए स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये रही हमारी स्टेटमेंट स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देखिए ये आ गई हमारी एनुअल रिपोर्ट और सबसे पहले
सबसे पहले क्या लगेगा? आपकी रिपोर्ट। हाँ, बड़ी खुशी हो रही है मैम, देखो पहले हमारी। हाँ, और कुछ बच्चे कह रहे हैं हमने देख लिया मेथड। ये देखो पहले आपकी रिपोर्ट, आपकी रिपोर्ट के बाद आई बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के बाद स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। ये भी हमें सीखना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज हमारा चैप्टर है जिसमें हम सीखेंगे बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, एंड ये आ गई हमारी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। ये कौन से मेथड से बना रहे हैं? ये भी इनडायरेक्ट मेथड से बना रहे हैं। तुम्हारे मन वाला डायरेक्ट मेथड तो कोई ले ही नहीं रहा, ये भी बना रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड से। तो हमने अदानीज का देख लिया, वो इनडायरेक्ट मेथड से बना रहे हैं। इन्फोसिस देख ली, इनडायरेक्ट मेथड से बना रहे हैं। HUL, इवन HUL भी CFS बना रही है इनडायरेक्ट मेथड से। एक कंपनी और दिखा देती हूँ, मेरी फेवरेट कंपनी, टाटास की एनुअल रिपोर्ट देख लेते हैं, टाटा मोटर्स 2021। और ये रही हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो आपको पता चल गया है स्टेटमेंट स्टार्ट हो गई है क्योंकि सबसे पहले लग गई है आपकी रिपोर्ट, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। और सबसे पहले आई हमारी बैलेंस शीट, फिर आई स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, और इसके बाद आई कैश फ्लो स्टेटमेंट। कौन से मेथड से बन रही है? तो आपने कहा मैम ये भी बन रही है इनडायरेक्ट मेथड से, यानी कि कंपनीज CFS बना रही हैं कौन से मेथड से? इनडायरेक्ट मेथड से। तो रेलेवेंट क्या है, इररेलेवेंट क्या है, बेटर क्या है, लेस बेटर क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को देखना चाहिए अपने क्लाइंट की नज़रों से। तो भाई क्लाइंट्स जिस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमारे लिए तो वो ही रेलेवेंट है, हमारा तो वो ही फेवरेट है, हमें तो वो ही काम करना है जो हमारे क्लाइंट्स फॉलो कर रहे हैं। लेकिन ये तो सोचने वाली बात है कि सारी ही कंपनीज कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रही हैं इनडायरेक्ट मेथड से, सारी ही कंपनीज कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रही हैं इनडायरेक्ट मेथड से, यानी कि इस तरीके से नेट प्रॉफिट को यूज करके पी एंड एल की आइटम्स को एडजस्ट कर देते हैं। पी एंड एल की आइटम्स को एडजस्ट करने के बाद ये देखो ये सब आइटम्स बैलेंस शीट की हो गई ना, तो बैलेंस शीट की आइटम्स को एडजस्ट कर रहे हैं और पी एंड एल एडजस्ट करा है, बीच में एक ब्रेक डाल दिया है। पी एंड एल की सारी आइटम्स एडजस्ट करके इसको हमने बोला क्या आया है? प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? ऑपरेटिंग, क्योंकि हम सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी देख रहे हैं बिफोर वर्किंग कैपिटल। बिफोर वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल आपने करा हुआ है, क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो उन चीज़ों से पहले ये अमाउंट आ रहा है, इसलिए इसको हमने बोल दिया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हम देख रहे हैं कि ये जो कंपनीज हैं ये लगा रही हैं इनडायरेक्ट मेथड, ये वाला मेथड ऐसा क्यों? क्योंकि देखो हम बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनीज की, फॉर्च्यून 500 कंपनीज की, क्योंकि मुझे लगता है आप जब ऑडिट करोगे तो बड़ी बड़ी कंपनीज का करोगे। ये जो बड़ी कंपनीज हैं, मतलब कई करोड़ के टर्नओवर वाली जो कंपनीज होती हैं, इनका अगर हम देखें कैश बुक,
कैश ट्रांजेक्शन्स एंड कैश इक्विवेलेंट ट्रांजेक्शन्स, देयर आर सो मैनी ट्रांजेक्शन्स. हम जिसे बोले अनलिमिटेड, पूरे साल में इतनी ट्रांजेक्शन्स. तो इन कंपनीज के लिए प्रेफरेबल मेथड कैश फ्रॉम ऑपरेशंस के लिए हमेशा क्या रहता है, इनडायरेक्ट. और जब अकाउंट्स इतनी खूबसूरती से बने हुए हैं, जब अकाउंट्स की खूबसूरती ये है कि वो आपको दोनों तरीके से निकाल के दे रहे हैं, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, तो कंपनीज क्या प्रेफर कर रही हैं, इनडायरेक्ट मेथड. बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, इसीलिए पूरी 12th क्लास में आपको इसकी प्रैक्टिस कराई गई थी, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, कंपनीज इसको फॉलो कर रही हैं. क्योंकि जहाँ पर आपकी कैश ट्रांजेक्शंस बहुत सारी हैं, वहाँ पर एनीबडी वुड प्रेफर इनडायरेक्ट मेथड टू कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस. तो ये है हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट का बहुत ही प्यारा सा मेथड, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, इनडायरेक्ट मेथड. अब एक बार यहाँ तक आराम से देखो, यहाँ तक माइंड में कोई डाउट आ रहा है तो उसको पहले पूछ लो, पहले उसको सॉल्व करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे. मैम अब आगे कहाँ बढ़ोगे आप? अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की तरफ, है ना. इनडायरेक्ट मेथड से अब करेंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, लेकिन इससे पहले अगर कोई डाउट है तो पहले उसे आप क्लैरिफाई कर लो. कोई डाउट नहीं है मैम, सब क्लियर है, नो डाउट. तो देखिए, देख लीजिए अगर कोई डाउट आ रहा हो माइंड में तो उसे क्लियर कर लीजिए. ठीक है भाई, सभी ने कर दिया है कि नो डाउट. तो ठीक है, अभी फिर ब्रेक करते हैं और ब्रेक के बाद फिर हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे इनडायरेक्ट मेथड से. ठीक है, 9:35 हो रहे हैं, 9:55 पर मिलते हैं और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे. हाँ जी, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं फ्रॉम इनडायरेक्ट मेथड. तो आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 405 और हम प्रैक्टिस करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 9. कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें बनानी है इनडायरेक्ट मेथड से. पहले आराम से क्वेश्चन की रीडिंग लीजिए और मुझे बताइए क्या आप बना सकते हैं, क्या आपको लगता है आप बना लोगी तो आप यस करो, फिर आप बनाना. और अगर आपने कहा कि नहीं मैम मुश्किल लग रहा है, तो फिर हम साथ साथ बनाएंगे. तो इलस्ट्रेशन नंबर 9, पेज 405. तो शुभम ने यस किया है कि मैम बना लेंगे हम खुद.
तो और किसी स्टूडेंट ने मुझे अभी यस नहीं किया है, तो मुझे पता है क्या समझ में आ रहा है, बिना यस किए तुम लोगों ने क्वेश्चन करना जो है ना स्टार्ट कर दिया है कि मैम को तो हम बाद में बता लेंगे, पहले हम क्वेश्चन करके देखते हैं कि कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट्स ने यस कर दिया है। और कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम पक्का नहीं पता, पर हम ट्राई कर लेते हैं। ट्राई ही तो करना है, हमें सबसे इम्पोर्टेंट काम है ट्राई करना। अच्छा मुझे ये बता दो, आप ये कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट करोगे नेट प्रॉफिट से, वो कौन से वाले अमाउंट से करोगे? हाँ जी करेक्ट, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का एकदम करेक्ट है कि हम स्टार्ट करेंगे 16,000 से, क्योंकि आपको कौन से अमाउंट से स्टार्ट करना है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, तो स्टार्ट करेंगे हम 16,000 से। और फिर ये टैक्सेस पता है कहाँ पे माइनस करेंगे हम? ये जैसे हम इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करेंगे, सब कुछ हम प्लस माइनस करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल निकालेंगे, फिर कैश यूज इन ऑपरेशंस आएगा, फिर हम माइनस कर देंगे इनकम टैक्स। और फिर लास्ट में आ जाएगा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, बिल्कुल जैसे हमने डायरेक्ट मेथड में भी किया था, लास्ट में इनकम टैक्स माइनस कर देंगे और फिर नेट रिजल्ट आ जाएगा।
अब देखिए इसमें अगर आपने आगे देखा होगा ना, तो हमारे पास अमाउंट्स हैं इनकम टैक्सेस पेबल, लाइबिलिटीज में हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है इनकम टैक्सेस पेबल, और ये जो इनकम टैक्स है 7000 का, ये हमारा पेड नहीं है क्योंकि ये हमें गिवन है P&L के अंदर, तो ये हमारा पेड का अमाउंट नहीं है। तो इसलिए इस केस में क्या करो, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अब किया भी मैसेज लिखकर, तो यहाँ पर क्या करो, आप स्टार्ट करो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो अमाउंट गिवन है 23000, और फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, जो हम निकालेंगे टैक्सेस पेड, जो अमाउंट आएगा कैश का जो आउटफ्लो होगा वो फिर हम लास्ट में माइनस कर देंगे। और भी कोई अगर डाउट आए तो आप साथ साथ पूछ लीजिएगा। अगर कोई डाउट आए तो आप अपना डाउट लिख देना, तो मैं साथ साथ एक्सप्लेन कर दूंगी, फिर आपको वेट नहीं करना पड़ेगा।
एडजस्टमेंट नंबर 5 में डाउट आ रहा है, एडजस्टमेंट नंबर 5, इशूड रुपीज 1 लाख ऑफ बॉन्ड्स एट फेस वैल्यू इन एन एक्सचेंज फॉर प्लांट ऑन 31 मार्च 2020. तो हमने एक प्लांट एंड मशीनरी ली और बदले में हमने पेमेंट कर दी है बॉन्ड्स इशू करके. ठीक है, सबसे पहले CFS की बात करें. हम CFS की बात करें तो इसमें कोई रोल नहीं होगा. क्यों? क्योंकि कैश का फ्लो नहीं है. प्लांट एंड मशीनरी आपने ली, बदले में आपने बॉन्ड्स इशू कर दिए, तो कैश का कोई फ्लो नहीं है, CFS में नहीं आएगा. लेकिन आप जब प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाओगे, अगर आप बना रहे हो, आपको कोई इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करनी है जो इस केस में आपको बनाना चाहिए अकाउंट, तभी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी. तो जब आप अकाउंट बनाओगे तो मशीनरी हमने ली है 1 लाख की, वो आ जाएगी. नॉर्मली हम क्या लिख देते हैं, 2 कैश या फिर बैंक. अब हम लिख देंगे 2 बॉन्ड्स. ये एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 5. एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट CA फाउंडेशन में सीखा था. पहले थोड़ा ट्राई करो आप खुद से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. बॉन्ड्स वाला पॉइंट फिर से समझना है. पॉइंट नंबर 5, इशूड 1 लाख ऑफ बॉन्ड्स एट फेस वैल्यू इन एन एक्सचेंज फॉर प्लांट एसेट्स. तो हमने प्लांट लिया और बदले में हमने बॉन्ड्स दे दिया. सबसे पहली बात तो कैश का कोई फ्लो नहीं है, इसलिए CFS के अंदर नहीं आएगा.
लेकिन इसकी एडजस्टमेंट क्या होगी? एडजस्टमेंट ये होगी कि हमने बॉन्ड्स इशू किए हैं एसेट के बदले, तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में परचेज दिखाएंगे 1 लाख की, लेकिन साथ में 2 कैश या बैंक ना लिखकर अब लिख देंगे 2 बॉन्ड्स। तो अभी 4 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है कि उन्होंने कर लिया है। मैं थोड़ा वेट कर रही हूँ, थोड़े और स्टूडेंट्स कंप्लीट कर लें, फिर हम आंसर डिस्कस करेंगे। तो कुछ और स्टूडेंट्स ने भी कंप्लीट कर लिया है, तो देखिए सबसे पहले किसने किया था। सबसे पहले मेरे पास आंसर आया है शुभम का, और शुभम आपका आंसर तो एकदम करेक्ट है। अब देखना है एग्जामिनेशन प्रेजेंटेशन है या नहीं, तो आप अपना आंसर जो है वो सेंड करो पिक्स क्लिक करके, प्रॉपरली पिक्स क्लिक करना और कंप्लीट आंसर अपना आप सेंड कर दो। तो बाकी जिन स्टूडेंट्स ने डन लिखा है, डन से नहीं होगा, आपको साथ में बताना है नेट कैश कितना है, तीनों एक्टिविटीज़ का सम टोटल कितना आ रहा है। शुभम के बाद फिर यशिका ने आंसर दिया था, नहीं सॉरी यशिका नहीं, तनीषा। तो तनीषा आप भी अपना आंसर सेंड कर दीजिए। अभी मेरे पास किसी का आंसर नहीं आया है, ना ही शुभम का ना ही तनीषा का। क्या अब आप करेक्शन कर रहे हो? तनीषा का आंसर तो आ गया, शुभम का अभी भी नहीं आया। तो शुभम ने पहले किया था, लेकिन शुभम की पिक ही नहीं आई, तनीषा की पिक भी आ गई है और आंसर भी एकदम करेक्ट है, प्रेजेंटेशन भी सही है कि ये वाला क्वेश्चन सबसे पहले तनीषा ने सॉल्व किया है करेक्टली। ओहो शुभम कह रहे हैं मैम प्रेजेंटेशन ही नहीं की मैंने,
तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखो, क्योंकि हम जब पेपर की तैयारी करते हैं ना तो दोनों चीज़ों की करनी पड़ती है, आंसर भी करेक्ट आए वो भी ज़रूरी है, और लेकिन हम प्रॉपर प्रेजेंटेशन में करें वो भी ज़रूरी है। तो पेपर की प्रिपरेशन का मतलब है दोनों चीज़ों की प्रिपरेशन। अब तक काफ़ी स्टूडेंट्स ने सॉल्व कर लिया है, तो देखिए चेक करते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। सो नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अमाउंट इज 47,000। चेक कीजिए आपका आंसर, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस आना चाहिए 47,000। देखिए प्लीज़ चेक करना स्टार्ट कीजिए, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करती जाऊंगी, आप चेक करते जाइए, जहां जो डाउट है वहां आप पूछ लीजिए। हाँ जी धानवी, वो हमने इसलिए किया है क्योंकि हमें इनकम टैक्स पेड का अमाउंट जो है वो निकालना पड़ेगा, हमें इनकम टैक्स पेबल, यानी कि नेचर ऑफ प्रोविजन ही है, इनकम टैक्स पेबल अकाउंट बनाकर हम पहले टैक्स का अमाउंट निकालेंगे, क्योंकि जो P&L के अंदर हमें अमाउंट गिवन है 7,000 वो इनकम टैक्स पेड नहीं है, वो इनकम टैक्स ऑफ द ईयर है, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, तो इसलिए वो इनकम टैक्स ऑफ द ईयर है, और हमारे पास ओपनिंग आउटस्टैंडिंग भी है, पेबल क्लोजिंग भी है, तो पहले हमें निकालना पड़ेगा। तो जैसे आप चेक करोगे तो अमाउंट आएगा आपका 9,000। तो इसलिए स्टार्ट किया हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से 23,000 रुपये से, और जो हमारा टैक्स होगा उसको फिर हम माइनस कर देंगे। ठीक है, धानवी ने ओके कर दिया है, डाउट क्लियर है, और देख लीजिए किसी को कोई डाउट हो तो। तो ऑपरेशन सभी ने ओके कर दिया है, अब देखिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी।
इन्वेस्टिंग कुछ स्टूडेंट्स ने ओके कर दिया है, एक बार सभी कर दें तो हम आगे चलें। और भी अब कई स्टूडेंट्स ने कर दिया है तो हम देखते हैं फिर फाइनेंसिंग। फिर देख लेते हैं वर्किंग नोट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर टैक्स। देखिए प्लीज़ क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। और अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 12। इलस्ट्रेशन नंबर 12। यशिका कह रही है मैम प्लांट अकाउंट देखना है, लीजिए। कनिष्क कह रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी की ट्रीटमेंट इन्वेस्टमेंट। तो कनिष्क सबसे पहले आप प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट देखिए, ठीक है। और इसके अंदर आप देखो जहाँ जहाँ आपको बैंक दिख रहा है वो जाएगा हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, सीधा सीधा हिसाब है।
जहाँ कैश का फ्लो है वो जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो पहले एक बार आप अकाउंट देख लो अच्छे से, अकाउंट में कोई डाउट हो तो आप पूछ लो। एंड ये तो हमें गिवन ही है 120। और फिर ये देखो आप कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, अकाउंट में जहाँ पर कैश का फ्लो है वही हमारी स्टेटमेंट में आएगा। तो एक तो हमने प्लान खरीदा था 1,20,000 का, पॉइंट नंबर 3 परचेज्ड प्लांट एसेट्स 120, और जो सेल है पॉइंट नंबर 4 सोल्ड प्लांट एसेट्स कॉस्टिंग 10 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2, हमें चाहिए कैश 5,000 में बेचा तो सेल ऑफ प्लांट 5,000। तो इन्वेस्टिंग के अंदर दो चीज़ें आ रही हैं, परचेज ऑफ प्लांट 120, सेल ऑफ प्लांट 5,000। और जहाँ तक प्लांट अकाउंट की बात है, इसके अंदर ये वाली डेप्रिसिएशन जो हमने डाली है 2,000 की, ये कौन सी डेप्रिसिएशन है हमारी, जो हमने एसेट सेल किया है सिर्फ उसकी हमने यहाँ पे डाल दी है, क्योंकि एसेट को सेल कर रहे हैं तो वो सारा पोर्शन यहाँ से हट जाएगा। वैसे अलग से एसेट डिस्पोजल अकाउंट बना के करते थे पर उसकी ज़रूरत नहीं है, हमने यहीं पे कर दिया है। और बाकी जो डेप्रिसिएशन होगी वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में होगी करंट ईयर की। यहाँ से सिर्फ हमने कौन सी हटाई है, जो एसेट सेल होता है उसकी फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में से हटा दी जाती है, तो वो हमने यहाँ पर दिखा दिया। कनिष ने भी ओके कर दिया है, डाउट क्लियर है। प्रिया कह रही है मैम प्रोविजन फॉर टैक्स देखेंगे, लीजिए देखते हैं। तो प्रोविजन फॉर टैक्स या फिर यहाँ पर क्वेश्चन में आ रहा है इनकम टैक्स पेबल के नाम से, तो देखो बैलेंस ब्रॉड डाउन 5,000 है, कैरेट डाउन 3,000 है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, ब्रॉड डाउन और कैरेट डाउन में गलती हो सकती है, क्योंकि जो हमें पहले दिया हुआ है ना वो 31 मार्च 2020 है, यानी कि 3,000 वाला कैरेट डाउन है और जो 5,000 वाला है वो ब्रॉड डाउन है। तो ब्रॉड डाउन डाला, कैरेट डाउन डाला, पी एंड एल का अमाउंट और बैलेंसिंग फिगर हमारी है टैक्स पेड। धानवी कह रही है मैम यही गलती हुई है मुझसे, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। जहाँ पर भी क्वेश्चन ने ईयर्स ऐसे कर दिए ना कि पहले 31 मार्च 2020 और फिर 31 मार्च 2019, क्योंकि रियल लाइफ में ऐसे ही होता है भाई, लॉजिकल सी बात है, पहले करंट ईयर दिखाएंगे बाद में प्रीवियस ईयर दिखाएंगे। तो इस वजह से हमें बीडी और सीडी में ना बहुत ध्यान रखना होगा। तो पहले वाला बैलेंस इसका मतलब कैरेट डाउन है और बाद वाला ब्रॉड डाउन है। प्रिया हमने 7,000 पे नहीं करा है, क्योंकि जो 7,000 का अमाउंट है वो हमें पीएनएल से मिल रहा है ना, आप चेक करो इन्फॉर्मेशन, वो जो 7,000 है वो हमें पीएनएल से मिल रहा है, तो पी एंड एल में पेड तो नहीं जाता, जो पूरे साल का होता है वो जाता है। तो पेड कहाँ से निकालेंगे, तो अकाउंट की मदद से निकालेंगे। तो कनिष कह रहे हैं मैम बैलेंस शीट वाली एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को इग्नोर कर दें। हाँ जी बिल्कुल, जैसे हमारे डेप्रिसिएशन का कोई रोल ही नहीं है सीएफएस में, है ना, डेप्रिसिएशन का कोई रोल ही नहीं है, ऐसे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी कोई रोल नहीं है। पर हाँ, जहाँ हमारा इनडायरेक्ट मेथड है वहाँ करंट ईयर डेप्रिसिएशन ऐड बैक करनी है, तो वो क्वेश्चन ने आपको अलग से दे ही रखा है पी एंड एल अकाउंट में, उतना ही रोल था, वो डेप्रिसिएशन चाहिए थी वो अलग से गिवन है। क्योंकि वो गिवन है इसलिए अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के जो अकाउंट के अमाउंट्स हैं उनको अब हम इग्नोर कर सकते हैं, वो हमारे किसी काम के नहीं है। प्रिया ने भी ओके कर दिया है, डाउट क्लियर है।
तो सबके डाउट क्लियर हो गए हैं, और भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। इन्वेस्टमेंट अकाउंट दिखाना है, लीजिए। प्रॉफिट 12,000 कैसे निकाला है हमने? देखो, पॉइंट नंबर 2, सोल्ड इन्वेस्टमेंट्स फॉर 1,02,000, दीज इन्वेस्टमेंट्स कॉस्ट 90,000। तो 90,000 की चीज़ आपने 102 में बेच दी, प्रॉफिट आ गया 12,000। इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट रिसीव्ड का अमाउंट कहाँ से आया है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इंटरेस्ट रिसीव्ड 6,000 कहाँ से आया है? ये आया है आपके P&L से, इनकम स्टेटमेंट से। तो इनकम स्टेटमेंट में जाकर आप देखो, वो जो दोनों चीज़ें आपने एडजस्ट की थी, इंटरेस्ट पेड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो रिसीव्ड आपका 6,000, इन्वेस्टिंग पेड 23,000, फाइनेंसिंग। हाँ स्मृति, आपकी बात ठीक है। स्मृति कह रही है गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी वैसे हमें गिवन ही है हमारे P&L में, तो इसलिए 1,02,000 माइनस 90,000 कर लो या मत भी करो, वो ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो सारे डाउट क्लियर हो गए हैं। तो फिर हम आ रहे थे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पर, इलस्ट्रेशन नंबर 12। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 12 ऐसा करते हैं, आज आपका होमवर्क रहेगा, आप करना घर पे इलस्ट्रेशन नंबर 12, और नेक्स्ट क्लास में हम जो है डिस्कस करेंगे 12th इलस्ट्रेशन। ठीक है, काफी स्टूडेंट्स ने पढ़ ली है, बताओ क्या लग रहा है, कर सकते हो? यस मैम, लग तो रहा है। हाँ तो लग तो रहा है, तो ठीक है, आप आज घर पे ट्राई करना, नेक्स्ट क्लास में हम इसका आंसर डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे कैश फ्लो की। ठीक है, कॉन्सेप्ट हमने कर लिया है दोनों मेथड, अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे और एक दो क्लासेस में, ताकि हमारी दोस्ती इससे गहरी हो जाए। ठीक है, तो आज का होमवर्क रहा इलस्ट्रेशन नंबर 12, फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। अच्छा, अगली क्लास हमारी ट्यूसडे को आनी है, ट्यूसडे को क्लास हमारी नहीं होगी, तो नेक्स्ट क्लास हमारी थर्सडे को रहेगी। ठीक है, तो अगली मुलाकात हमारी जो है वो थर्सडे को होगी आपके साथ। ठीक है, तो फिर थर्सडे को मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय, थैंक यू।